करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें कि देहरादून रोडवेज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुई है। 3% बढ़ाया गया है रोडवेज नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और रोडवेज कर्मचारियों को 31% के बजाय 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। रोडवेज प्रबंधन ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर रोडवेज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। जो नियमित पग के कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है और अब रोडवेज कर्मचारियों को 31% के बजाय 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। इस बाबत रोडवेज प्रबंधन ने आदेश जारी किए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, यहाँ पर रोडवेज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है, एक सौगात कह सकते हैं रोडवेज कर्मचारियों के लिए इसे? बिल्कुल, देखिए प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड परिवहन निगम के जो नियमित कर्मचारी थे उनको कल सरकार ने तोहफा देने का काम यहां पर किया है। उनके महंगाई भत्ते में 3% की जो बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है, ये किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि पूर्व में अगर हम इसकी बात करते हैं तो 31% जो है महंगाई भत्ता उनको दिया जाता था, अब ये बढ़ाकर 34% इसको कर दिया गया है, जो कि 1 अक्टूबर 2022 से देई होगा, लागू होगा। ये कल कैबिनेट में बड़ा एक डिसीजन हुआ है। इसको परिवहन विभाग के लिए एक अच्छी इसको पहल कहा जा सकता है सरकार की ओर से, जो महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 31% से 34% यहाँ पर किया गया है। जी शुक्रिया कैलाश जी, मसा जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो रोडवेज कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, 3% उनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है, अब 31 के बजाय उन्हें 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। कल हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, तो किसी बड़ी सौगात से ये रोडवेज कर्मचारियों के लिए कम नहीं है।